A church in the cantonment area of Agra was vandalized today by some unidentified people. This triggered outrage among the members of the local Christian community. An FIR has been registered at Rakab Ganj police station against the unknown people who, it is alleged, have damaged two statues in the church premises along with its main gate. करीब 3:30 बजे मैंने अपनी गाड़ी का अलार्म बजता हुआ सुना कि जैसे कोई किसी ने गाड़ी खोली है. जब मैं बाहर आकर के देखा तो गाड़ी के शीशे टूटे हुए थे. फिर मैं जब चर्च की तरफ आया तो देखा गेट खुला हुआ था और गिरजे के बाहर जितनी मूर्तियां लगाई हुई हैं तो मूर्तियां तोड़ रखी हैं. मूर्ति के जो रखने के जो कांच के बक्से थे वो भी तोड़ रखे हैं. तो जब बारी बारी देखो करीब 4-5 मूर्तियाँ उन्होंने गिरजे में जिन्होंने तोड़ा है और अच्छी तरह से तोड़ा है. ये नहीं कि जब गिर गई हूँ अपने आप, खूब कांच से ईंट से तोड़ा है. माता मरियम के गले में चेन डाल करके उसको खींच करके भी ले गए दूर तक. तो उनका मंशा यही थी कि धार्मिक भावनाओं को उत्तेजित करना. जिसने भी किया है हमें बहुत दुख की बात है, बहुत गम है इस बात का कि जिसने किया है ये अच्छा नहीं किया. हम प्रशासन से उम्मीद करते हैं कि हमें न्याय मिले, जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनको जल्दी से जल्दी सजा दी जाए. District and police officials reached the church in the morning to review security arrangements. Meanwhile, Christian community leader in Agra have demanded firm action against the culprits within 24 hours. जिसने भी किया है उसकी जांच कराई जाएगी और जल्दी से जल्दी दोषियों को जो है सामने लाया जाएगा. प्रशासन से हमें कह दिए कि इसमें देरी ना हो, जल्दी से जल्दी खुलासा किया जाए इसका. और अभी इस विषय में हम कप्तान साहब से भी बात करिए और DIG साहब से भी बात करें, IG साहब से जल्दी खुलासा. पहली घटना है ऐसे शहर के अंदर, जिसने भी किया है वो जो है सामने लाया जाएगा और प्रशासन जो है इस पर बहुत सख्ती से. Powered by NNIS.